मुगलपुरा क्षेत्र में पुलिस द्वारा कोयला संचालित भट्टियों को बंद कराए जाने के विरोध में पीतल मजदूरों ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। पीतल मजदूर वार्ड संख्या 66 के पार्षद मुअज्जम अली एवं वार्ड 38 की पार्षद नफीस जहां के प्रतिनिधि इफ्तिखार मोहम्मद के संयुक्त नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कहा गया कि मुरादाबाद पूरे विश्व में पीतल नगरी के नाम से विख्यात है। यहां वर्षों से भट्टियों पर पीतल की सिल्ली गलाने का कार्य किया जाता है, लेकिन मुगलपुरा पुलिस द्वारा पिछले एक सप्ताह से उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है और वे कारोबार से बेरोजगार होकर बैठे हुए हैं। पुलिस पर पीतल मजदूरों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किए जाने और उनकी भट्टियों को तोड़ने व उन पर पानी डालने का भी आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि खोलती हुई भट्टी पर पुलिसकर्मी जब पानी डालते हैं तो एकदम भाप निकल कर आती है, जिससे कोई बड़ा हादसा घटित हो सकता है। इस मौके पर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को पेश किया गया, जिसमें कहा गया है कि देश विदेश में अपनी कला का लोहा मनवाना इस बात का उदाहरण है कि मुरादाबाद के दो दस्तकार बाबूराम यादव और दिलशाद हुसैन को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री उपाधि से सुशोभित किया जा चुका है। यहाँ के मजदूर कड़ी मेहनत करने के बाद पीतल का माल तैयार करते हैं जो विदेशों में जाता है, लेकिन इन्हें प्रोत्साहन देने के बजाय इनकी भट्टियों पर पुलिस डंडा चला रही है। कहा गया है कि प्रदूषण के नाम पर पीतल मजदूरों का उत्पीड़न तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में छाया मंदी का प्रभाव पीतल निर्यात पर भी पड़ रहा है, जिससे मुरादाबाद के पीतल मजदूर भी इसका शिकार हो रहे हैं। थोड़ा बहुत काम करके दो वक्त की रोटी कमा लेते हैं, जिससे परिवार का भरण पोषण हो रहा है और पुलिस उसे भी बंद करना चाहती है। ज्ञापन के माध्यम से सहानुभूति पूर्वक विचार करके पीतल मजदूरों का प्रदूषण के नाम पर जारी उत्पीड़न बंद किए जाने की मांग उठाई गई है। प्रदर्शन में शामिल मजदूर लीडर मशकूर खान एवं वार्ड 66 के पार्षद मुअज्जम अली ने संयुक्त रूप से बताया। जिसके नाम मतलब दुनिया के अंदर इन कारीगरों की वजह से मुरादाबाद की पहचान, आज इनका उत्पीड़न प्रशासन द्वारा इस कदर किया जा रहा है कि जलती भट्टियों में इनके पानी डाल रही है पुलिस और एनजीटी के लोग। हम ये कहना चाहते हैं कि यदि प्रशासन को कोई काम बंद करना है तो सबसे पहले उसका कोई दूसरा ऑप्शन लेकर, प्रशासन के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास कोई उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि भाई ये बंद करिए और दूसरा काम कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम यहाँ आज कलेक्ट्रेट से ये बात कहना चाहते हैं कि यदि आर्टिजन्स का उत्पीड़न इसी तरह जारी रहा तो हम भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि मुरादाबाद की धरती से बहुत बड़े बड़े आंदोलन आर्टिजन्स ने किए हैं और हम फिर से करेंगे अगर प्रशासन नहीं माने। जी क्या नाम है? मुअज्जम अली जी। कहाँ से हैं आप? मैं मुगलपुरा पार्षद हूँ, वार्ड 66 से। जी आज आपके साथ में लोग आए हैं, क्या समस्या? सब भट्टी वाले हैं बेचारे, जो उसके इनके घरों में छोटे छोटे मकान हैं, इनके वहाँ छोटी छोटी भट्टी लगी हुई हैं और अपने परिवार का जीवन यापन उसी से करते हैं। ये लगभग एक हफ्ते से ये लोग बिल्कुल इनके शटर बने, मुगलपुरा पुलिस ने इनके घरों में घुस के गाली गलौज करी और उसके अलावा पानी लौट दिया उनके भट्टियों पर, जिसकी वजह से परेशान है और चेतावनी दे दी थी कि कप्तान साहब के आदेश है भट्टी कोई नहीं चली। जब मैंने उनसे बात करी एसओ साहब से तो हमने कहा भाई जब आपसे बात करने पे जा रहे हम लोग जाके डीएम साहब से मुलाकात करेंगे, तो आज इसलिए हम डीएम साहब के यहाँ आए थे, डीएम साहब कहीं गए हुए हैं। तो क्या कारण बता रहे हैं भट्टी बंद करने का? वो ये कह रहा है पॉल्यूशन हो रहा है इससे, और पॉल्यूशन यानी कि हम बचपन से जवान हो गए, हमारे जो बड़े थे वो बचपन से जवान हो गए। मुरादाबाद का नाम पूरी दुनिया में दस्तकारों के नाम से मतलब पीतल के नाम से मशहूर है और दुनिया जो है वो इसको लोहा मानती है कि हाँ मुरादाबाद से बढ़िया आइटम कहीं नहीं बनते, इससे मुरादाबाद का बहुत बड़ा पैसा आता है। तो इसलिए ये लोग आज खाली हैं। जो आपकी जो भट्टियाँ चल रही हैं कोयले से चल रही हैं? जी जी कोयले से चल रही है। तो इस तरह की कोई बात सामने आई है कि कोयले की भट्टी बंद करके गैस की भट्टी लगाई जाए? ना अभी ऐसा कुछ नहीं आया। अच्छा कौन कौन से क्षेत्र के लोग यहाँ पर मौजूद हैं? ये साहब मुगलपुरा से बरबलानी का जगह पड़ती है वहाँ के हैं, और इसके अलावा एक चमंडा वाली गली पड़ती है, कुछ वहाँ के हैं, कुछ आसपास के भी लोग हैं। कितने लोग होंगे, तादाद कितनी होगी? ये लगभग ऐसे 300-400 भट्टियों के जो काम कारीगर हैं वो हैं मौजूद। ये वार्ड 38 और वार्ड 66 के जो ज्ञापन दिए गए हैं इसमें क्या मांग की गई है? इनकी मांग ये गई कि इनकी जो इसकी जो जाँच कराई जाए, जाँच कराने के बाद इनको रोजगार दिया जाए ताकि काम करे। दिवाली का फेस्टिवल आ रहा, ये काम कैसे होगा?
प्रदर्शन में मोहम्मद सुलेमान, रईस अहमद, मोहम्मद फाजिल, नौशाद अली, यूसुफ अली, अमन राजू, गुलजार, जाहिद हुसैन, मोहम्मद शबाब, मोहम्मद फाजिल, बबलू, जहांगीर, हारून, आमिर, इकबाल एवं जब्बार सहित भारी संख्या में पीतल मजदूर मौजूद रहे।